गाइस, सो वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेड फ्रॉम और मेड ऑफ़। ये दोनों वर्ड एक्चुअली एक जैसे ही हैं और दोनों का मीनिंग होता है से बनाया हुआ, कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है। सो आप मेड ऑफ़ और मेड फ्रॉम ये दोनों वर्ड कह सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहना है ये कुर्सी लकड़े से बनी हुई है, तो आप कहेंगे द चेयर या दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। लेकिन ये पेपर झाड़ या पेड़ से बना हुआ है, तो आप कहेंगे दिस पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्री। सो अब ये डिफरेंस क्यों? सेंटेंस तो सेम है, तो एक में मेड ऑफ और एक में मेड फ्रॉम, ये क्यों आ रहा है? सो इसको समझते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो बनी हुई चीज़ अपने पुराने फॉर्म में रहे, जैसे लकड़ा और कुर्सी एक समान दिखते हैं, तब मेड ऑफ आएगा। दैट मीन्स कि लकड़ा और कुर्सी दोनों अपने फॉर्म में हैं, कुर्सी लकड़े की तरह ही दिखती हैं, उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। सो दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ऐसे कंडीशन में हम मेड ऑफ कहेंगे, जब उसका फॉर्म जो है आप देख सकते हैं चेंज ना हुआ हो। लेकिन बनी हुई चीज़ अपने पुराने फॉर्म में ना रहे, जैसे कि एक पेपर और एक पेड़ एक समान नहीं दिखते हैं, ये पेपर पेड़ से बना हुआ है, झाड़ से बना हुआ है, तब हम कहेंगे दिस पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्री। क्योंकि आप देखिए, ये पेड़ और पेपर उसका पूरा फॉर्म चेंज हो गया है। यहाँ पर लकड़ा और पेपर दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं। सो ऐसे कंडीशन में हम मेड फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर्म चेंज हो गया है सो मेड फ्रॉम, और अगर फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, उसका रूप चेंज नहीं हुआ है, तो मेड ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।